नमस्ते, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सर? आशा करती हूँ आज की गाइडेंस आप लेकर जाएं, उसको अपने लाइफ में उतारें और आप अपनी लाइफ के जो चेंजेस हैं वो ज़रूर बताएं। रीडिंग आप हर दिन देखोगे, अलग अलग चैनल्स पे जाके देखोगे, मेरी रीडिंग देखोगे, किसी और की रीडिंग देखोगे, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगता है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ की गाइडेंस, यहाँ की एनर्जीज मुझसे सबसे ज़्यादा मैच कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको ये तो ज़रूर फील होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाउ एनर्जी एंड टैरो वर्क्स। आपको हमेशा अपने लिए डेडिकेटेड रहना होगा, आपको हमेशा जो एडवाइस दी जा रही है उसको फॉलो करना होगा, आपको हमेशा से इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसको अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, बिना खुद को धोखा दिए, बिना कि खुद को चीट किए, फिर आपको बताना होता है, फिर आपको देखना होता है कि वेदर दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी और नॉट। कोई चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगी जब तक हम उसको फॉलो ना करें? किताबें कितनी पढ़ लीजिए लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना करें अपनी लाइफ में, एक दिन नहीं, होगा ब्रेक भी होगा, आपकी हैबिट भी टूटेगी, गैप भी आएगा, लेकिन आप जब तक गिव अप ना करो कि चलो भाई एक टाइम फ्रेम लिया, 10 दिन अपना के देखते हैं, एक हफ्ता अपना के देखते हैं, ठीक है, एक महीना अपना के देखते हैं, तब आप देखना आपकी लाइफ चेंज ऐसे ही होती है। ऐसे नहीं होता है कि एक दिन में लाइफ चेंज हो जाती है, नहीं, रिपीट करने से कोई चीज़ लाइफ में एक एक करके बहुत बड़ा चेंज आता है। पहला कार्ड आपके लिए, 5 ऑफ सोर्ड्स, ग्रीफ। ग्रीफ, इस ब्रेकअप से आप अभी तक उभर नहीं पाए हो, इस ब्रेकअप का जो पेन है ना वो बार बार आपके पास आ रहा है, जैसे कि आपको एक ट्रिगर कर रहा है, जैसे कि आपको याद दिला रहा है कि आपके साथ क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि आप बार बार इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार अपने दिल के सुकून के लिए इस पर्सन को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार आपके मन में इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो आप, कि आपके साथ इस पर्सन ने बहुत गलत किया, आपके विश्वास को ठेस पहुंचाया, आपको कहीं ना कहीं बहुत धोखा दिया है इस पर्सन ने, आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील कराया है इस पर्सन ने, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपका जो मन की शांति है, जो रिलेशनशिप के लिए आपका बहुत एक उत्सुकता, एक पॉजिटिव अप्रोच, वो इस पर्सन ने बदल दिया है। इस समय मैं देख रही हूँ आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है, लेकिन इस समय आप जो पुरानी चीज़ें हो चुकी है उसको आप बिल्कुल भी सह नहीं पा रहे हो, जैसे ऐसा लगता है कि अभी आपकी आँख खुल गई है। जिस पर्सन को समझा समझा के आप प्यार से बदलने की कोशिश कर रहे थे, अब जैसे आपको रियलाइज़ हो रहा हो कि आपने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? लिखो टाइम वेस्ट, बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि वक्त रहते मुझे तब ये चीज़ क्यों नहीं समझ आई। ये एनर्जी बोल रही है कि जैसे आप खुद को डांट रहे हो, ठीक है, जैसे आप खुद को ये संदेश दे रहे हो कि तूने वक्त रहते क्यों नहीं रुका, तेरे इंट्यूशन क्या करने गई थी, तूने क्यों नहीं मानी वो चीज़ें, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आप समझा नहीं पा रहे हो और इस वजह से आप खुद को सजा दे रहे हो, पर यहाँ पे आपके पर्सन ने कुछ ऐसे झूठ बोले हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे चांस चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे दूसरा चांस चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक मौका चाहता है, लेकिन ये मौका
ये पर्सन कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि दोबारा से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके से आपको रेडी करता हो, दे आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, ये आपको तैयार करता हो कि एक बार सॉरी बोली दोबारा रोने के लिए तैयार हो जाओ। किंग ऑफ कॉइन्स और मून्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ, द मून की एनर्जी, ठीक है, अगर आप अपने जानने वाले में से किसी को आज बोलते हो, ठीक है, कि जाके कि मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, कोई मजाल है कोई इस बात पे विश्वास कर ले, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, और कोई सोच भी नहीं सकता कि आप इस दर्द से गुजर रहे हो। क्योंकि आपने खुद को बनाया ही ऐसा है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा विजडम है, आपके अंदर इतने ज़्यादा खजाने छुपे हुए हैं, आपके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप लोगों के साथ बैठते हो जो आपकी बराबरी के हैं, या फिर आपके साथ ही जो आपके जैसे इंटरेस्ट और हॉबी रखते हैं, वो समझ जाते हैं कि कितना कुछ आपके अंदर है एक्सप्लोर करने के लिए, कितना कुछ है आपके अंदर सुनने के लिए, कितना कुछ है आपके एक्सपीरियंस से। इंसान बहुत सीखते हैं क्योंकि आपकी लाइफ बहुत यूनिक है, ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो आपने कभी नहीं बताया रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन आपने उससे खुद ही डील किया है। ठीक है, जैसे आपने उससे खुद ही डील किया हो, और ऐसा लगता हो कि आपने खुद इतना बड़ा तूफान सरवाइव कर लिया लेकिन कभी किसी को बताया नहीं। आप इस समय ऐसे रहते हो जहाँ लोगों को लगता हो कि आप किसी से कमिटेड हो, मतलब अपने टूवर्ड्स आपका सेल्फ लव इतना ज़्यादा है, आपको देखकर ही लोगों को ऐसा लगता है कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके पर्सन के स्टैंडर्ड्स बता दूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। मैं सोच सकती हूँ कि आपकी क्या हालत हुई होगी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना ज़्यादा बुरा लगा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको कभी भी वो जो इक्वल ट्रीटमेंट है ना, वो नहीं दे पाए हैं। कभी भी इस पर्सन ने आपको एक बराबरी की नज़र से नहीं देखा है, ठीक है, कभी भी इस पर्सन ने ऐसा नहीं किया है कि अपने घर पे, जो इनके घर पे माताएं हैं, बहनें हैं, ये पर्सन उनको लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, प्रोटेक्टिव है। सेम गोज फॉर मेल्स ऑल्सो, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है। लेकिन जहाँ बात आपकी आती है, ये पर्सन आपसे उम्मीद करता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को कभी भी ना मतलब करो अप्लाई। आपके पर्सन हो सकता है आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हों, और वो आपको बार बार बोलते हों कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इस पर्सन को इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है आपके पर्सन को। और उनको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं आप उनको परख रहे हो, और उनको जब पता चलता है कि आप उनको परख रहे हो, जब तक आप वो चीज़ नहीं करते हो या आगे नहीं चलेगा रिश्ता, तब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, अगर आप इस पर्सन को कोई बात समझा रहे हो या फिर ये बोल रहे हो कि आपको बहुत धीरे धीरे चलने की ज़रूरत है, तो ऐसा लग रहा है कि जो मून की एनर्जी है, इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ब्लेम कर रहे हो खुद को कि आपकी गलती है, ठीक है। पर इट्स जस्ट दैट कि ये पर्सन ही हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली ले रहे हैं, दे वॉन्ट टू रश थिंग्स। साफ पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में दे वॉन्ट टू रश थिंग्स, बहुत ज़्यादा जल्दी मचाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कहते नहीं है, कम टाइम में ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, ठीक है। और इनको ना इस बात से प्रॉब्लम है कि आप इतने स्लो क्यों चल रहे हो,
इनको इस बात से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप स्लो क्यों चल रहे हो। ठीक है, ओ माय गुडनेस, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। ठीक है, अब देखो इस पर्सन को आपसे प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इस समय दे वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, और ये जो इन्होंने ब्रेक किया है ना, जो अभी ये साइलेंट रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपनी डेली रूटीन से हट करना कहीं ये जा रहे हैं। ठीक है, ये अपनी डेली रूटीन से अलग होके दे वॉन्ट टू गो समवेयर, ये अपनी डेली रूटीन को छोड़कर दे वॉन्ट टू गो समवेयर। इट क्लियरली मीन्स दैट दे वॉन्ट टू ब्रेक देयर रूटीन, दे आर प्लानिंग समथिंग कि जैसे कि इस पर्सन को भी एक नया माइंडसेट मिले, क्योंकि बार बार उसी जगह पर रह के उन प्लेसेस पे ये जा रहे हैं जहाँ पे आप लोग कभी मिला करते थे, कभी मिले हो, तो वो जो आपकी रिलेशनशिप की जो फ्लैशबैक्स है ना, वो उनके मन से नहीं जा रहे हैं। और अगर ये पर्सन आकर आपको अप्रोच भी करना चाहे, आपके जो बुरे पल है, जो बुरी बातें हैं ना, वो इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स और यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स वाली एनर्जी, ये पर्सन इस समय चाहते हैं कि ये अब आपसे और झूठ ना बोले, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ उन्होंने बोला, दूसरा छुपाने के लिए तीसरा बोला, तो उनकी नज़र में ऐसा है कि आप ना इनको बहुत बड़ा झूठा मान बैठे हो। अब अगर वो कोई चीज़ जेन्युइनली भी बोल रहे हैं ना, आप उस बात को सुनते नहीं हो, आपको उस बात पे विश्वास नहीं होता, लेकिन अब ये पर्सन चाहते हैं कि एक बिगर पर्सन बन के एक दूसरे नज़रिए से इस रिश्ते को देखना चाहते हैं। आज आपके पर्सन को सुबह उठते के साथ ही ये लगा है कि वो आपसे मिलने जाएं, और अगर ये आपसे दूर नहीं है ना ये पर्सन, मैं सच बता रही हूँ, दे वॉन्ट टू गिव यू अ सरप्राइज़। जहाँ से आप जाते हो, जहाँ से गुजरते हो, अचानक ही आपको अपने प्यार का एक प्यार की जो एक हालत होती है कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी करंट फीलिंग्स को ये आपको बताएं कि मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूँ, और मैं इस बात को बोल भी नहीं पा रहा हूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये आपको एक प्यार का नजराना दे, ये याद दिला के कि ये रिलेशनशिप प्यार की वजह से शुरू हुई थी, एक तरीके से रिमाइंडर आपको दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप प्यार की वजह से शुरू हुई थी, ये रिलेशनशिप प्यार की वजह से ही चलेगी और प्यार की वजह से ही आगे जाएगी। मीनवाइल ये सिक्स ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर्स से बहुत अटेंशन मिलेगी, ऑल ऑफ अ सडन जो लोग शायद आपको पूछते भी नहीं थे, आप उनके साथ रह रहे हो या उठना बैठना हो भी नहीं रहा, तो भी लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कि लोग आपको कॉल कर रहे हैं, जैसे कि लोग आपको याद सा कर रहे हैं, तो ये एनर्जी मुझे बार बार आते हुए दिखाई दे रही है। ये एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप क्लैरिटी चाहते हो और आप हैरान हो रहे हो कि लोग अचानक से मेरे पास क्यों आ रहे हैं, किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, जो मुझे पूछ भी नहीं रहे थे, तो आपको वो चीज़ सुननी होगी। कभी कभी लोग आउट ऑफ जेलेसी भी आपके पास आ रहे हैं देखने के लिए, अगर वो आपको दिल से जानते हैं, कुछ ऐसा बोल के जानबूझ के चले जाए तेज़ तर्रार से जिससे आपको बुरा लगे। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी बिकॉज योर पास्ट लव इज़ ऑल्सो कमिंग, योर पास्ट पीपल आर ऑल्सो कमिंग। अगर लोग आपको देख रहे हैं, दे आर टेकन बाय योर ब्यूटी, दे आर टेकन बाय योर स्टेप। ठीक है, एकदम से एक चेंज आ जाना, सडन चेंज आ जाना आपके प्रति, एक एम्पथी लोगों को आते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि दे वॉन्ट टू बी इन योर टच, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है लाइफ के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, लाइफ के बारे में और हर चीज़ के बारे में आप बहुत सोच समझ के फैसला लेते हो। दिस इज़ समथिंग जिससे लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल आज के दिन के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई, हो सकता है कि आपके अबंडेंस देख के आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगे, सोच समझ के हाँ बोलिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ।
गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक योर लाइफ स्लोली एंड स्टेडिली, माइंडफुली अपने दिन को आज लेके जाइए आगे। शुक्रिया, हरे कृष्णा, राधे राधे।